गांव में एक भूत आया हुआ था। गांव के लोग जब भी खाना खाने बैठता, वो भूत आकर सारे खाना खा लिया करता था। उरी बाबा, ये भूत तो आमर सब खाना खा लिया, अब हम क्या खाएगा? तभी घसीटाराम मोटू पतलू के पास आता है। घसीटाराम बोला, उरी बाबा मोटू पतलू, गांव में एक भूत आया है। यह भूत गांव के सारे खाना खा लेता है। गांव के लोग बहुत भूखा है, हम भी दो दिनों से कुछ नहीं खाया है। मोटू पतलू जल्दी कुछ करो, नहीं तो हम भूखा मर जाएगा। पतलू बोला, चलो हम सब चुविंगम सर के पास चलते हैं। फिर वो लोग चिंगम सर के पास आता है। चिंगम सर बोला, अयो मोटू पतलू, तुम लोग अभी इधर को काय को आया, आखिर बात क्या है? घसीटाराम बोला, उरी बाबा चुविंगम सर, गांव में एक भूत आया है और वो सबका खाना खा लेता है। जल्दी से कुछ करो, नहीं तो हम लोग भूखा मर जाएगा। पतलू बोला, हाँ चुविंगम सर, घसीटाराम सही बोल रहा है। चिंगम सर बोला, अयो मोटू पतलू, वाई क्या चुविंगम इज हियर, चुविंगम के चुंगल से बचना यम पॉसिबल, बोला तो यम पॉसिबल। मैं अभी जाता हूँ और भूत को मार के भगाता हूँ। फिर चिंगम सर भूत को भगाने चल पड़ता है। चिंगम सर भूत के पास आता है। चिंगम सर दो चार गोलियां उस भूत के ऊपर चलाता है। लेकिन उस भूत का कुछ भी नहीं हुआ। चिंगम सर बोला, अयो माँ, ये कैसा भूत है, गोली मारने से भी नहीं मरा। फिर वो भूत चिंगम सर के ऊपर आग के गोले बरसाने लगता है। अय्या माँ मोटू पतलू बचाओ। चिंगम सर डर के वहाँ से भाग जाता है। आगे क्या हुआ जानने से पहले, अगर आप अपने पिता माता से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चिंगम सर मोटू पतलू के पास आता है। चिंगम सर बोला, अय्या मोटू पतलू, ये भूत तो गोली मारने से भी नहीं मरा, अब क्या करें? पतलू बोला, चलो हम सब साधु बाबा के पास चलते हैं। साधु बाबा मंत्र पढ़ते ही वो भूत प्रकट हो जाता है। साधु बाबा बोला, तुम गांव वालों के खाना क्यों खा लेते हो? भूत बोला, जब मैं जिंदा था तब मैं बहुत गरीब था, दो वक्त की खाना भी बहुत मुश्किल से नसीब होता था। एक दिन मैं बीमार पड़ गया और मुझे देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। मैं गांव-गांव जाकर मांग कर खाने लगा, लेकिन मुझे कोई खाना खाने नहीं दिया और इस वजह से मेरी मौत हो जाती है। आज भी मैं बहुत भूखा हूँ। यह सुनकर साधु बाबा एक जादुई बर्तन देता है। ये एक जादुई बर्तन है, इससे तुम जितना चाहे खाना मांगकर खा सकते हो। फिर वो भूत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे।